तो कैसे हो मित्रों, वीडियो का पूरा मजा ले रहे हो कि नहीं? तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हॉलीवुड मूवी के बहुत बड़े दीवाने हैं लेकिन हॉलीवुड मूवी को नहीं देख पाते हैं। दरअसल मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई मूवी के बारे में तो बता देते हो लेकिन ये भी बता दो कि मूवी देखें कैसे। तो आज मैं इस लिस्ट में जितने भी मूवीज के बारे में बताने वाला हूं उसे आप डायरेक्ट एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं, यानी कि ना तो कहीं खोजने की जरूरत और ना ही डाउनलोड करने की आवश्यकता। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमएक्स प्लेयर पे मूवी कैसे देखा जाता है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वॉर्ड मास्टर ये साल 2016 में आई एक चाइनीज एक्शन मूवी थी। मूवी की कहानी कुछ तलवारबाज योद्धाओं की है जो मार्शल आर्ट की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। क्योंकि ये एक चाइनीज मूवी है तो आपको पता ही होगा कि इनमें कितना खतरनाक एक्शन होता है। तो अगर आप कुछ बेहतरीन एक्शन देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मिस ना करें। स्पाइडरमैन होमकमिंग ये साल 2017 में आई मार्वल स्टूडियो की एक सुपर हीरो मूवी थी। जैसा कि ये एक सुपर हीरो वाली मूवी है तो आपको पता ही होगा कि इसकी कहानी भी सुपर हीरो वाली ही होगी। तो यार आप तड़ातोड़ एक्शन और धूम धड़ाका करते एक सुपर हीरो को देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें। लीग ऑफ गॉड ये साल 2016 में आई एक चाइनीज फैंटेसी मूवी थी। मूवी की कहानी एक अत्याचारी राजा की है जिस पर काली शक्तियों की साया है और इस वजह से अत्याचारी राजा पूरे राज्य में काली ताकतों का राज्य कायम करना चाहता है। तो कुछ महान योद्धा कैसे अत्याचारी राजा को रोकते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मैक्स स्टील ये साल 2016 में आई एक सुपर हीरो मूवी थी। मूवी की कहानी एक मशीन की है जो किसी आदमी से चिपक कर उसे आयरन मैन जैसा एक सुपर हीरो बना सकता है। वैसे मूवी का कंसेप्ट तो अच्छा है लेकिन कहानी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास देखने के लिए कुछ ना हो तो आप इसे देख सकते हैं। इमोर्टल्स ये साल 2011 में आई एक एक्शन मूवी थी और इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे हेनरी केविल एवं फ्रीडा पिंटो। मूवी की कहानी रोमन कथाओं पर आधारित है जिसके अनुसार स्वर्ग में भगवान और राक्षसों के बीच एक युद्ध होता है। मूवी की कहानी और एक्शन एकदम सॉलिड है, देखकर मजा आएगा तो चिंता ना करें। दी मैकेनिक ये साल 2011 में आई एक एक्शन मूवी थी। मूवी की कहानी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर की है जो बहुत चालाकी से लोगों को मारता और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है। तो अगर आप प्लानिंग किया गया मर्डर देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी को जरूर देखें। नॉक नॉक ये साल 2015 में आई एक एरोटिक मूवी थी। मूवी की कहानी दो लड़कियों की है जो एक शादीशुदा मर्द को फंसाकर उसके साथ घपाघप करती हैं और हद तो तब हो जाता है जब ये दोनों लड़कियां शादीशुदा मर्द को ब्लैकमेल करने लगती हैं और उसे मारने लगती हैं। वैसे देखा जाए तो मूवी की कहानी एवरेज है, आपका मन करे तो इसे देख सकते हैं। निंजा चीयर लीडर्स ये साल 2008 में आई एक कॉमेडी मूवी थी। मूवी की कहानी कुछ हॉट और सेक्सी लड़कियों की है जो मार्शल आर्ट्स और लोगों को धूल चटाने में एक्सपर्ट हैं। वैसे मूवी की कहानी तो ठीक ठाक है लेकिन मूवी का एक्शन काफी मजेदार है। सीन सिटी 2 ये साल 2014 में आई एक एक्शन क्राइम मूवी थी। मूवी की कहानी कुछ लोगों की है जिनकी अपनी अपनी कहानी है, कोई किसी को मारना चाहता है तो कोई किसी को पाना चाहता है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्यार में धोखा खा रहे हैं और प्यार में मारे भी जा रहे हैं। इन सब के अलावा इसमें आपको ढेर सारा एक्शन और ढेर सारा एडल्ट सीन देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग स्टील ये साल 2017 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी थी। मूवी की कहानी एक मैकेनिकल हार्ट की है जिसकी मदद से एक इंसानी रोबोट बनाया जा सकता है, यानी कि एक इंसानी शरीर में आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जा सकता है और उसे चलता फिरता किलिंग मशीन बनाया जा सकता है। मूवी की कहानी और जैकी चैन का एक्शन दोनों कमाल का है, आपको जरूर देखना चाहिए।